मी हे तिघांना सांगतो, कृपा करून आमच्या संजय शेरशाह साहेबांना मंत्रीपद द्या. यांनी रंग वांग गुलाल आणि सगळं फूल सगळ्यांचं ऑर्डर दिलेलं होतं आणि पटाखे पण आणून ठेवलेले आहे. कृपा करून त्यांनाही मंत्री करा. माझ्या शहरातले आहे ते, इतक्या दिवसापासून वाट बघत आहे की अब मिलिंगा, अब मिलिंगा, अब मिलिंगा. अब उन्होंने अजीत दादा ने है तो इनके हाथ में है तो कद्दू ला के दे डाले है कि अब तुम बैठे रहो, इंतजार करते रहो. देखिए, आज महाराष्ट्र के अंदर एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट यानी ईडी ने अपनी सरकार बना ली है. बाकी सब बकवास है. महाराष्ट्र में ईडी की सरकार बनी है और मैं इसलिए कह रहा हूं कि पिछले कुछ महीनों के अंदर अगर हम देखेंगे कि ईडी जिस तरीके से कार्रवाई कर रही थी, यहाँ पे कनपट्टी पे बंदूक रखती थी और उसके बाद है तो पूरा मामला बदल जाता था. और अगर मैं ये कह रहा हूँ कि ईडी ने सरकार बनाई है और इनके ये बाकी के जो तीन लोग हैं, देवेंद्र फडणवीस हो, एकनाथ शिंदे साहब हो और अब एक नए अजीत पवार साहब, ये तीनों सुपरवाइजर्स हैं. पहले दो थे लेकिन ईडी का काम इतना बड़ा था, सबके कनपट्टी के ऊपर बंदूक रखना था तो उनको और एक एक चाहिए था, तो अब अजीत पवार साहब उसके अंदर शामिल हो गए. मेरा एक सवाल है, देश के पंत प्रधान नरेंद्र मोदी साहब जो अपने आप को बहुत दूध का धुला मानते हैं, जो कहते हैं कि मैं भ्रष्टाचार को पूरी तरीके से खत्म करना चाहता हूं, और बेचारे उनके भक्त जो है वो सही भी समझ लेते हैं, कितने भोले हैं उनके भक्त. अब उनको मैं सुनाना चाहता हूं, नरेंद्र मोदी साहब ने राष्ट्रवादी कांग्रेस के ताल्लुक से महज 4 दिन पहले अपने भाषण के अंदर क्या कहा था, ये आप सुन लीजिएगा. उसमें थोड़ा गौर से सुनिएगा. एनसीपी पर भी करीब करीब 70,000 करोड़ रुपए के घोटालों का आरोप है. 70,000 करोड़ स्टेट कोऑपरेटिव बैंक घोटाला, महाराष्ट्र स्टेट कोऑपरेटिव बैंक घोटाला, सिंचाई घोटाला, महाराष्ट्र सिंचन घोटाला, खनन घोटाला, अवैध खनन घोटाला. इनकी लिस्ट भी बहुत लंबी है लेकिन अब ये सब मैं बंद करने वाला हूँ क्योंकि मैं सिर्फ इनको डराने वाला था और अपने पास लाने वाला था. हो गया आपका काम मोदी जी. आपके दूसरे जो यहाँ पे महाराष्ट्र के एक उप मुख्यमंत्री है जो खुद को भी बड़ा दूत का धुला मानते हैं, भ्रष्टाचार के विरोध में भाषण बहुत अच्छा अच्छा देते हैं, अब उन्होंने क्या कहा है जरा ये भी सुन ले. एनसीपीसी राष्ट्रवादी कांग्रेस युति होणं शक्यच नाही. नाही नाही नाही, आपण धर्म नाही, शाश्वत धर्म नाही, कुठलाही धर्म नाही. एक वेळ रिकामे राहू, एक वेळ सत्तेशिवाय राहू, एक वेळ मला कोणीतरी विचारलं तुमचा विवाह होणार आहे का, मी म्हटलं अविवाहित राहणं पसंत करेन पण राष्ट्रवादी सोबत राहणार नाही. नाही मराठी के अंदर बोल रहे हैं देवेंद्र फडणवीस साहब कि किसी भी कीमत के ऊपर राष्ट्रवादी कांग्रेस के साथ हम नहीं जाएंगे. नहीं नहीं नहीं, नहीं।